हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन का एक अलग सा रूप जो रहता है, जिसे ट्रांसशिपमेंट भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट होता क्या है और किस तरह से उसके अंदर जो कॉमोडिटी जो प्रोडक्ट्स रहती है उसका ट्रांसपोर्टेशन रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सोर्सेस रहते हैं और सामने डेस्टिनेशन रहता है। सो सोर्सेस टू डेस्टिनेशन हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का कॉमोडिटी का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसके हिसाब से सोर्स टू डेस्टिनेशन ही हमारा क्या होता है, ट्रैवलिंग रूट रहता है। लेकिन कई बार कॉमोडिटी प्रोडक्ट्स वगैरह जो रहती है वो सोर्स और सोर्स के बीच, मतलब इंटरमीडिएट, एक दूसरे के बीच भी क्या होता है, उसका शिपमेंट होता है। मतलब सोर्स टू सोर्स क्या होता है, उसका सीप होता है, सीपिंग होता है, राइट। उसी तरह से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन के बीच भी क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट्स और कॉमोडिटी का सीपिंग्स रहता है। सो वैसे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसके अंदर सोर्स टू सोर्स, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, ऐसे कुछ ट्रैवलिंग के साथ साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ सीपिंग जो रहते हैं, दैट काइंड ऑफ एग्जांपल इज नोन एज अ ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम जैसा बनाया है जिसके अंदर आपको बेटर विजुअलाइजेशन होगा। दिस इज द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे चार डिफरेंट सोर्सेस है और दूसरी तरफ तीन डेस्टिनेशन मैंने दिखाया है। सो यहाँ पे अगर आप एरो पे ध्यान देंगे तो जो प्रोडक्ट है, जो कॉमोडिटी है, उसका जो रूट है वो आप देख सकते हो सोर्स टू डेस्टिनेशन ही है, राइट। जबकि यहां पे आप देखोगे ट्रांसशिपमेंट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही रहा है, राइट। मतलब देखो, यहां से प्रोडक्ट यहां पे भी जा रही है, यहां से यहां पे भी जा रही है, सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ दो सोर्सेस के बीच भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का शिपिंग हो रहा है। सो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जब प्रोडक्ट का सोर्स टू सोर्स और डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन लोगों के बीच, राइट, प्रोडक्ट है, कॉमोडिटी है, उसका शिपिंग रहता है, तो उस केसेस को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। सो ट्रांस से आएगा ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट से तो आपको आएगा शिपिंग से शिपमेंट। सो वैसे केसेस कहलाएंगे ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। और ट्रांसपोर्टेशन में कई बार ऐसे एग्जांपल आपको पूछ लेते हैं तो कैसे उसको रिजोल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। सो ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है कि देखो, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार सोर्सेस है और हमारे पास डेस्टिनेशन तीन है, राइट। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का मैट्रिक्स क्रिएट होगा फ्रेंड्स, वो मैट्रिक्स जो है, राइट, वो मैट्रिक्स हमारा कितना होगा, 4/3 का होगा। मतलब कि 4 हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, 4 हमारी रो होगी एंड 3 है वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, राइट। लेकिन ट्रांसशिपमेंट के अंदर जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा वो मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग होगा। वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, देखो यहां पे भी सोर्सेस 4 है, राइट, और डेस्टिनेशन 3 है, राइट। तो यहां पे जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा फ्रेंड्स, वो क्रिएट होगा 4+3 मल्टीप्लाई बाय 4+3, राइट। क्या होगा, 4+3 मल्टीप्लाई बाय 4+3, मतलब 4 और 3 7 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्या होगा, पूरा एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट, राइट। यहां पे देखो ट्रांसपोर्टेशन में कितना होगा, 4/3 का, सेम एग्जांपल है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पे आपका मैट्रिक्स क्रिएट होगा वो 4/3 का होगा। मतलब, राइट, मतलब क्या कि वहां पे 4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 रो होगी, राइट, S1 S2 S3 एंड S4 करके, और एक लास्ट वाला तो डिमांड का आएगा, राइट। मतलब 4 रो होगी और कॉलम कितनी होगी फ्रेंड्स, वहां पे कॉलम होगी 3, D1 D2 एंड D3 की। तो कुछ इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में मैट्रिक्स क्रिएट होगा। लेकिन अगर ट्रांसशिपमेंट का प्रॉब्लम है, वहां पे आपको बोल दिया है कि भाई सोर्स टू सोर्स और डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन भी कॉमोडिटी का शिपिंग हो रहा है, सो दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एज अ ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, उसको आप ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट वहां पे आपको मैट्रिक्स जो क्रिएट करोगे वो मैट्रिक्स वर्ब कितना होगा, 7/7 मैट्रिक्स का होगा। कैसे, तो आपको देखो 4 रो है और 3 कॉलम थी, तो उन दोनों का समेशन करना है मल्टीप्लाई करके, फिर से उन दोनों का समेशन, राइट। मतलब m नंबर ऑफ अगर आपकी रो है, मतलब सॉरी m नंबर ऑफ आपका सोर्सेस है और n नंबर ऑफ आपका डेस्टिनेशन है, तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स क्रिएट होगा फ्रेंड्स, वो होगा m+n मल्टीप्लाई बाय m+n, राइट। सो इतना आपका मैट्रिक्स क्रिएट होगा m+n मल्टीप्लाई बाय m+n। सो यहां पे इन दिस एग्जांपल कितना होगा, 7/7, मतलब 7 पूरी रो होगी और पूरे 7 कॉलम होगे। सो इट इज डिफर फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मैट्रिक्स आप देख सकते हो और यहां पे ट्रांसशिपमेंट का मैट्रिक्स देख सकते हो। नाउ बात आती है सप्लाई और डिमांड की,
कि सप्लाई और डिमांड कितना लेना चाहिए और कैसे उसको लेना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो केस है इन दिस एग्जाम्पल, ये जो आपको मैंने डेमो डायग्राम दिखाया उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एन क्या है, एन हमारा टोटल सप्लाई और डिमांड है। मतलब देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था कि यहाँ पे सप्लाई रहता है और सप्लाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3, 5 and 2, right? सो हियर इट इज 15, सप्लाई कितना हो 15, उसी तरह से डिमांड हमारी कितनी होगी, तो डिमांड है 5, 10 और 5, राइट? मतलब डिमांड भी कितनी है, टोटल डिमांड हमारी 15 है, टोटल सप्लाई भी कितना है 15 है। तो इन दिस केस समझ लो कि टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड कितनी है, n है। तो जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा 7x7 का, राइट, उसके अंदर ये जो टोटल सप्लाई और जो टोटल डिमांड है, राइट, वो क्या करनी है, हर एक रो के अंदर क्या करनी है, ऐड कर देनी है। हर एक रो और हर एक डिमांड का जो सेल रहेगा, कॉलम रहेगी, उसके अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसशिपमेंट। उसके बाद को आपके पता है आपको मोदी और जो वाम मेथड रहती है, तो वाम से आप उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढो और बाद में मोदी से उसका ऑप्टिमिलिटी चेक कर लो एंड यू गेट योर आंसर, राइट। सो इसी जो थियोरी है उसको अब मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा एक एग्जाम्पल के साथ, राइट। सबसे पहले स्क्रीन पे ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपने प्रॉब्लम देखा वहां पे आपने देखा होगा जो सप्लाई है वो एक्स और वाई, मतलब ये है ना, ये दो फैक्ट्री है, ये जो दो फैक्ट्री है उसकी सप्लाई है 200 एंड 300, मतलब टोटल सप्लाई कितनी हुई 500 फ्रेंड्स हुई। उसी तरह से तीन रिटेल स्टोर दी है और तीन रिटेल स्टोर की डिमांड कितनी है फ्रेंड, ये रिटेल स्टोर है तो ये जो रिटेल स्टोर है उसकी डिमांड कितनी है फ्रेंड्स 100, 115, 250, सो ये भी कितना हुआ 500, राइट, मतलब बैलेंस प्रॉब्लम है। सो टोटल सप्लाई आपकी हुई 500 एंड टोटल डिमांड हुई 500। तो ये जो है आपको जब 7x7 का मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, राइट, यहाँ पे कितना होगा क्रिएट, तो यहाँ पे देखो सोर्सेज कितने हैं हमारे पास, सोर्सेज हमारे पास दो है, एक और दो, और डेस्टिनेशन कौन कौन से है, रिटेल स्टोर जहां पे हमें भेजना है 1, 2, 3। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सोर्स टू सोर्स एंड जो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन भी क्या हो रहा है, शिपिंग हो रहा है। सो दिस केस इज नोन एज द ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैट्रिक्स कितना क्रिएट होगा, तो आपका जो आपका सोर्स है वो दो है और आपका डेस्टिनेशन तीन है, सो 2+3 × 2+3 मतलब 5x5 का आपका क्या होगा फ्रेंड्स, मैट्रिक्स होगा। सो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। सो मैंने क्या किया, 5x5 का एक मैट्रिक्स क्रिएट किया। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स वाई ए बी और सी, यहाँ पे आएगी ए सॉरी एक्स वाई ए बी और सी, राइट। ट्रांसपोर्टेशन का होता तो क्या होता, अगर ये सेम प्रॉब्लम ट्रांसशिपमेंट का नहीं है, राइट, सोर्स टू सोर्स या फिर डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम ट्रांसशिपमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, ये प्रॉब्लम होता ट्रांसपोर्टेशन का। और वहां पे आपका मैट्रिक्स फ्रेंड्स कैसे बनता, यहाँ पे मैं दिखाऊं तो वहां पे आपका जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से बनता, एक्स वाई राइट, और यहाँ पे आता ए बी और सी, राइट, कुछ ऐसा बनता ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन ट्रांसशिपमेंट का केस है, सो नाउ इट इज 5x5 का मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे ये जो लिखा है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि भाई x सोर्स टू x डेस्टिनेशन जाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, जीरो कॉस्ट, क्योंकि वहीं पे जाना है। x टू x जाओगे तो जीरो कॉस्ट लगेगा, लेकिन x टू y जाओगे, सोर्स टू सोर्स जाओगे तो 8 rupees है। वैसे हर एक का क्या पूरा कॉस्ट दिया है, तो वही आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मेंशन करना है, पूरा दिया है, पूरा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यहाँ 0 देन हियर इट इज 8 देन 7, 8, 9 राइट, मैं पूरा लिख देता हूँ 6, 0 जिससे आपको पता चले कि कैसे बनता है 5 राइट। सो मैंने ये 5x5 का फ्रेंड्स पूरा मैट्रिक्स ट्रांसशिपमेंट का मैट्रिक्स क्रिएट किया। अब बात आती है सप्लाई और डिमांड की, कि सप्लाई कितना आएगा और डिमांड कैसे लिखनी है, सप्लाई एंड डिमांड। सो फ्रेंड्स सप्लाई और डिमांड में देखो, मैंने जैसे यहां पे बताया कि जो टोटल सप्लाई होगा राइट और जो टोटल डिमांड होगी, तो जो टोटल सप्लाई है वो आपको सप्लाई के अंदर ऐड कर देना है, क्या करना है, ऐड करना है, और जो टोटल डिमांड होगी वो डिमांड के अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। तो सबसे पहले टोटल सप्लाई कितना है इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम टोटल सप्लाई है 500। सो 500 में क्या करूंगा, सबके अंदर ऐड कर दूंगा, पहले से ही लिख दूंगा राइट 500 500 500, दिस इज द रूल्स राइट। एंड उसी तरह से डिमांड कितनी थी, डिमांड भी फ्रेंड्स यहां पे कितनी है 500 है, तो 500 सब में आपको क्या करनी है,
ऐड कर देनी है 500 500 500 500 and 500, राइट। अब आपको x और y की सप्लाई कितनी, देखो x की है 200 एंड y की है 300, तो x की सप्लाई 200 तो यहां पे ऐड कर दीजिए 200 प्लस 500 और y की 300 है तो 300 एंड प्लस 500। एबीसी की सप्लाई नहीं दी तो वो नहीं लिखनी है। उसी तरह से डिमांड देखिए, तो डिमांड के अंदर देखो एबीसी की डिमांड है, एक्स वाई की डिमांड नहीं है तो वो नहीं लिखनी है। ए की है 100 सो यहां पे प्लस करके 100, बी की है 150 तो प्लस करके 150 एंड सी की है 250 तो प्लस करके 250, राइट। अब इसका आप देखो समेशन लगाओगे तो वो बैलेंस प्रॉब्लम ही आपको मिलेगा, राइट। अब आगे क्या करना है, आगे आपको पता है वाम मेथड, यू कैन यूज दी वाम मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड, किसी भी एक मेथड का यूज करके इसका आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढना है, एंड देन यूजिंग मोदी मेथड आपको उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करनी है। फ्रेंड्स अगर आपको वाम और मोदी मेथड के बारे में नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो या फिर ऊपर दी गई हुई लिंक को क्लिक करके भी जा सके देख सकते हो, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट द ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। अगर आपको एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम पूछ लेते हैं तो इसका नॉलेज आपके पास होगा तो आप आसानी से उसको काउंट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, घर पे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।